जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं सोम पांडे एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बासा सोम ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को चंदौली से गाजीपुर तक के सफ़र को दिखाऊंगा, तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और हम लोग चंदौली से गाजीपुर जाएंगे ट्रेन से, तो चलते हैं हम लोग सीधे स्टेशन। अब हम लोग आ चुके हैं चंदौली से सीधे सकरढ़िया रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं हम लोग हैं सकरढ़िया रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ थोड़ी देर में हम लोग की पैसेंजर ट्रेन आएगी और हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे जमनिया। पैसेंजर ट्रेन आ चुकी है और ये है पैसेंजर ट्रेन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम अब अंदर बैठ चुके हैं और कुछ इस प्रकार से है सकरढ़िया रेलवे स्टेशन अंदर से देखने पे लगता है। और हम लोग की ट्रेन अब यहाँ से चल चुकी है और आगे बीच में जो जो स्टेशन पड़ेगा वो सब दिखाते हैं आप लोगों को, सीधे गाजीपुर तक ले चलेंगे। अगर अभी तक ब्लॉग को लाइक नहीं किया है तो ब्लॉग कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। अभी हम लोग सकरढ़िया से निकल चुके हैं और यहाँ से चलेंगे पहले जमनिया, और जमनिया से फिर ऑटो पकड़ के सीधे निकलेंगे गाजीपुर के लिए। तो चलिए चलते हैं और आगे भी आपको कुछ दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से नज़ारे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको पोखरे दिख रहे होंगे। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं गेहूँ पक चुके हैं और कटाई का समय आ चुका है, और 20 दिन के करीब ये सब गेहूँ कटना शुरू हो जाएंगे। और चलते हैं आगे और आगे भी चल के आपको कुछ दिखाते हैं। इस समय काफ़ी तेज़ हम लोग की ट्रेन चल रही है, आप स्पीड देख सकते हैं, करीब इस समय 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम लोग की ट्रेन चल रही है। और कुछ आप इस तरह से नज़ारे देख सकते हैं। ओ भाई साहब, काफ़ी तेज़ हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग सकरढ़िया के बाद आगे आ चुके हैं तुलसी आश्रम। ये है तुलसी आश्रम रेलवे स्टेशन। और अब हम लोग तुलसी आश्रम रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं जमनिया रेलवे स्टेशन के लिए। अब चलते हैं सीधे जमनिया रेलवे स्टेशन और फिर वहां से आप लोगों को आगे दिखाते हैं। हम लोग आ चुके हैं जमनिया स्टेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलो काका, चलो नियाजी बाबा। चलते हैं बाहर और बाहर चल के टेम्पू पकड़ेंगे और वहां से चलेंगे सीधे गाजीपुर। और जैसा कि देख सकते हैं हम लोग इसी पैसेंजर से आए हैं और चलते हैं बाहर। कुछ इस प्रकार से है जमनिया रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये पैसेंजर डेली चलती है और सकरढ़िया से करीब ये 6:43 पे आती है। और जमनिया रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी गाड़ियां रुकती हैं और यहाँ मुख्यतः अभी दो ही रेलवे ट्रैक हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी साफ सफाई चल रही है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:46।
और कुछ इस प्रकार से है जमनिया रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपको चलते हैं और आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन से यहाँ पे टिकट कटता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और चलते हैं बाहर और आप जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको टिकट मिलता है। और ये है बाहर से अंदर आने के लिए रास्ता, और मेन तो यही है। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तुरंत आपको यहाँ पे ऑटो मिल जाएगी, और ये ऑटो आपको सीधे गाजीपुर छोड़ देती है रोजा पे। फिर वहाँ से आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऑटो स्टैंड लगा हुआ है, और यहाँ से गाजीपुर का किराया 60 रुपये है। देख सकते हैं ये इस प्रकार से है जमनिया रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। और अभी हम लोग के ऑटो का इंतजार रहेंगे चाचा का, और हम लोग बैठ चुके हैं टेम्पो में और चलते हैं अभी यहाँ से सीधे। और अब हम लोग निकल चुके हैं जमनिया रेलवे स्टेशन से गाजीपुर के लिए। और ये है जमनिया का मार्केट, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है सब्जियों के लिए, और यहाँ काफ़ी सस्ते सस्ते सब्जियाँ और फल मिलते हैं। इस प्रकार से नजा रहे हैं सुबह के समय। और अभी हम लोग आ चुके हैं गाजीपुर और जमनिया के बीच में स्थित नवाजू बाबा के पास, और ये शंकर जी का स्थान है। और यहाँ पे हर मंगलवार और रविवार को लोग अपना गाय भैंस का दूध लाते हैं और यहाँ पे चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यहाँ पे दूध चढ़ाने से गाय भैंस स्वस्थ रहते हैं और किसी प्रकार का रोग नहीं होता है उन्हें। और हम लोग अब निकल चुके हैं गाजीपुर के लिए, और ये है मंदिर जैसा कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है। और अब हम लोग आ चुके हैं ताड़ी घाट, जो कि जमनिया के बाद पड़ता है। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं शहीद मेजर विकास सिंह जी की यादों में बनाया जा रहा है। ये भारत के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में शहीद हुए थे, ये सन 2019 में शहीद जी गांव के रहने वाले थे। और अब हम लोग आ चुके हैं वीर अब्दुल हमीद सेतु के पास, जैसा कि आप देख सकते हैं कार्य चल रहा है यहाँ पे। और अब मैं टेम्पो में पीछे से आगे बैठ चुका हूँ, जिस वजह से आपको देखने में आसानी होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ निर्माण जोरों शोरों से हो रहा है, और वीर अब्दुल हमीद सेतु के ऊपर मैं एक ब्लॉग बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप फुल ब्लॉग देख सकते हैं वहाँ से। और आप देख सकते हैं देखने में ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये जो सेतु है ये माँ गंगा के ऊपर बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रेनें कुछ दिन में आना जाना शुरू हो जाएंगी, और इस रेलवे ट्रैक पे काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा है, और ये कुछ दिन पूर्ण हो जाएगा, जिसके बाद से इस पर दिलदार नगर से होते हुए गाजीपुर सिटी के लिए रेलवे आते जाते रहे। अब हम लोग आ चुके हैं जमनिया से गाजीपुर, और ये है गाजीपुर का रोजा। और आप वहाँ से जमनिया से सीधे यहीं रोजा उतरेंगे, और यहाँ से आप टेम्पू पकड़ के आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। और रोजा कुछ इस प्रकार से देखने को लगता है, और यहाँ से आपको मऊ बलिया हर जगह जाने के लिए आपको यहाँ पे बस उपलब्ध रहती हैं। और यहाँ से चलते हैं हम लोग सीधे लंका, और लंका चल गया। और ये है गाजीपुर का ओवर ब्रिज, जो कि रोजा से आते टाइम आपको लंका के बीच में पड़ेगा। और ये आप कुछ इस प्रकार से नज़ारे देख सकते हैं। इसके ऊपर भी एक मैं फुल ब्लॉग बना चुका हूँ, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, और उससे भी पूरा देखिए। और ये है गाजीपुर का लंका, और रोजा से लंका के लिए एक लोग का 15 रुपये लगता है किराया, और आपको यही बैटरी वाली टेम्पू अधिक मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है लंका, और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। अब आ चुके हैं लंका, और ये है लंका, यहाँ से आप सीधे बनारस बस से जा सकते हैं। तो फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए बताइए कैसा रहा ब्लॉग। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।